भारतीय लड़ाकू विमान MiG-21 आज श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। हालांकि इस हादसे में पायलट की सूझबूझ के चलते किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रनवे को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। इस बीच विमान को आपात स्थिति में उतारे जाने की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर अन्य नागरिक विमानों के उड़ान भरने और उतरने में थोड़ी देरी हुई। इस हादसे के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट से हर सप्ताह 560 फ्लाइट संचालित होती हैं। आपको बता दें, किसी महीने राजस्थान के बाड़मेर में भी भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में भी विमान के क्रैश होने से पहले ही पायलट और को पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। और आज जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसने उत्तर लाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। क्रैश होने के बाद हादसे की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। MiG-21 विमान में खराबी और आपातकालीन लैंडिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। इन खबरों के बाद जांच के आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन इसका असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखते रहिए DB Live।